पे आई हैं और कहाँ से आई हैं आप? मैं रसूलपुर चक्या से आई हूँ, पौड़ियाँ से। मेरी जमीन 20 डिसमिल, जिसमें मैं 20 डिसमिल रजिस्टर कर आई हूँ, जिसमें अबलू द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? सतीश जायसवाल और बबलू सिंह, जिसको तिवारी का साला। जिसको तिवारी कौन है? मुझे नहीं पता कौन, भिंडी तिवारी का इतना जानती हूँ। तो शिकायत कहीं की आपने? बहुत शिकायत की, जहाँ जहाँ हमको पता चला कि जो जो ऊँचे वहदे पर हम सबके पास में गई, लेटर लिख गई, और मेरी जमीन 391 टर्म है सोनौली रोड पर। कितने वर्षों से कब्जा नहीं कर पा रही जमीन? 10 साल हो गई होगी। 10 साल से परेशान है? 10 साल में परेशान हूँ। यहाँ तक बाबा के पास में कम से कम 20 बार में खुद गई हूँ लेटर ले गए थे। जब बाबा उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं थे तब, तो उससे पहले मैं जा रही हूँ, पर बस यहाँ से एक लेटर लिख के दे देते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। किस थाना का मामला है? पीपीगंज थाना। क्या चाहती हैं आप? मेरी जमीन मुझे 20 डिसमिल मिल जाए वहाँ, और यही मैं चाहती हूँ। बबलू वहाँ से हटे। क्या नाम? बबलू सिंह रमाशंकर। आपका नाम क्या है? अनुसुईया देवी। जहाँ चेहरा छुप जा रहा है आपका, नीचे करिए। और ठीक है, बताते रहिए कुछ। कहाँ कहती है? रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का फोटो कापी है। अच्छा, जमीन किससे खरीदा था आपने? अपने ससुर से। अपने ससुर से। कुल कितनी जमीन है? 29.5 डिसमिल जमीन है। 20 डिसमिल हमने बैनामा करा, जिसमें आज के दिन में बबलू सिंह के बार बार कब्जा कर रहे हैं। बबलू सिंह दोनों भाई, पाँच तो नहीं होंगे उधर से, करीब पन्ना पलटी है उसका 10 साल से। वही जमीन बबलू कहीं बेचते हैं और कब्जा दिलाते हैं मेरा। वो जमीन संतरा सिंह। तो जमीन में जो है अभी निर्माण है कि वैसे ही, मतलब निर्माण चल रहा है अभी? आज भी हमें देख के हम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। हाँ, आज सुबह 7 बजे से पहले जब आते हैं निर्माण करवाते हैं, शाम 7 बजे बादल के अंतिम में करा रहे हैं, रात में निर्माण होता है। कभी कहते थाना बन रहा है चौकी, कभी कहते हैं पता बादल क्या पूछ रहा है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारी जमीन मेन रोड पर है, मेन सोनौली मार्ग पर है, और इसकी वजह से भूमाफिया लगे हैं। फतेह बहादुर सिंह हैं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के लड़के फतेह बहादुर सिंह क्षेत्रवाइज नेता हैं भाजपा के, उन्होंने ही उसमें से रजिस्ट्री कहीं और करवाते हैं, जोड़वाते हैं हमारा जमीन। 391 चौक खरीदते हैं और टॉक को जोड़वाते हैं जो मेन रोड पर कीमती भूमि है, और फतेह बहादुर वहाँ पर कम से कम 1 एकड़ जमीन ग्राम सभा का भी कब्जा कर रखे हैं, और जो एक सरकारी ट्यूबवेल है उसको भी अपने बाउंड्री में करवा लिए हैं। किसान पानी नहीं चलाने पा रहे हैं। आपकी जमीन से क्या विवाद है? हमारी जमीन से कीमती भूमि है, खरीदते कुछ और हैं, जोड़वाते हैं हमारा है, और कम से कम 391 चौक 7 बार रजिस्ट्री हो सकी है, हो चुकी है, और 7 बार गुंडों को ही नाम लिखा गया है ताकि ये महिला उनका नाम सुन के भाग जाए, और एक भूमाफिया दो तीन बार की है। भूमाफिया इसमें एक तो हैं ये वीरेंद्र सिंह और फूलचंद सिंह, गाँव ही के हैं, वीरेंद्र सिंह फूलचंद सिंह, और फूलचंद सिंह के नाम से है 391 चौक, तो वीरेंद्र सिंह के लिखे। वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े गुंडे थे कि हमारा नाम सुन के भाग जाएंगे। उसके बाद इनको लिखा गया, ये उनके उनके फतेह बहादुर के, इनका क्या नाम है ये प्यारों का, हाँ फतेह बहादुर शमशेर सिंह को लिखा गया, शमशेर सिंह फिर किसी और पे लिखे। तो जितने बार इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है उतने बार इस महिला का जो है शोषण हुआ है, इसकी जमीन कब्जा किया जा रहा था, और अभी भी ये सतीश जायसवाल और प्रेमा चौक खरीदी हैं, खरीद करके इनका जमीन वर्तमान में बाउंड्री चल रहा है वहाँ पर अभी चल रही है, और ये कहा जाता है कि फतेह बहादुर का ऑफिस बन रहा है, और कब्जा पैसा ले लेते हैं, कीमती भूमि है, जमीन कहीं और रहता है, कब्जा इस महिला का करवाते हैं। आज मैं 10 साल 10 12 13 साल से परेशान हूँ। 2015 में, 2005 में। अच्छा, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है? हाँ, मुख्यमंत्री से बोले हो जाएगा, हो जाएगा जा थाने पे। तो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि भूमाफिया नहीं है, हाँ
तो कहाँ से ये पैदा? भाजपा सरकार में भूमाफिया और ज़्यादा हो गए हैं। मैं 10-15 साल से लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और ज़्यादा हो गए हैं। कहाँ कहाँ लेटर लिखा आपने? आप, मैं कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा हूँ, किसी को नहीं छोड़ा हूँ। मंदिर पर भी अभी लेटर दे के आया हूँ, जल्दी ही एसपी साहब के पास भी गया हूँ। मुख्यमंत्री जी से आप मुलाकात किए हैं क्या? जब एमपी थे तब मुलाकात किए थे, दिल्ली में ही गए थे, तो हमको कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ गया है, दिल्ली आ गए तो हम कहे साहब यही हम इंडिया गेट पर मजदूरी करते हैं, आप आए हैं तो आपका दर्शन करने चले आए हैं, तो साथ में कागज भी पड़ा था, हम कहे आपको दिखा दूँ। तो मुख्यमंत्री योगी जी तब कहे थे कि अगर रजिस्टरी है, मैंने कहा साहब देखिए रजिस्टरी है, कहें रजिस्टरी है तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि जिस दिन योगी जी को पता चल जाएगा उस दिन वो लोग बचेंगे नहीं, मगर योगी जी को बताने में हमें तो सदियां बीत जाएगी, वो जानेंगे नहीं, तब तक मैं मरी जाऊंगा। अभी गए थे कि नहीं मुलाकात करने? गए थे। उन लेटर दिए थे उनको, याद दिलाए उनको? हम उनको याद दिलाए। योगी जी से नहीं मिले, उनके पीए से मिले। आप मिले थे ना? बीरेंद्र सिंह से मिले। तो बीरेंद्र सिंह से हमने कहा कि साहब 391 चौक खरीदे हैं, टॉक को कब्जा कर रहे हैं, आप इसको देखिए। तो वो डीएम को ट्रांसफर कर दिए। चलिए, क्या मांग है आपकी? हमारी जमीन मिल जाए सर, हम इतना भटक रहे हैं, लड़की की शादी उसी में रुका पड़ा है, निहंगा बन के पागल की तरह रोड पर घूमते हैं, जहाँ पाते हैं अचार लाठी मार देते हैं, पुलिस वाले FIR भी नहीं लेते हैं, वही मारते हैं, उनका 308 बन जाता है और हम लोग साहब मार खा के थाने वाले जो है FIR नहीं लिखते हैं। किस थाने का मामला है? APB गंज थाने का है। हमारे घर ग्राम रसूलपुर चकिया है, थाना PP गंज, तहसील कंपियरगंज, ब्लॉक कौड़िया, नाम राम प्रताप है। जमीन किसके नाम है? हमारे पत्नी के नाम से है, अनसुईया देवी नाम है।